हेलो एवरीवन, मैं उताहिर और फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि जो हमारा मैकेनिक का 48 मेगापिक्सल कैमरा आता है, तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो परचेस करने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जितने सारे परेशानी का सामना किया हो उस तरीके से आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका इसमें फ़ायदा होगा। तो चलिए हम इसमें बताते हैं कि इसमें मेरे को क्या क्या परेशानी आई, और तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो अगर आप मैकेनिक 48 मेगापिक्सल का कैमरा ऑर्डर करते हो तो इस तरीके की पैकिंग के साथ आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारा 48 एमपी कैमरा है मैकेनिक का है, तो इसका क्वालिटी गाइस बहुत बढ़िया है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ आता है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एडेप्टर है गाइस जो हमारे कैमरा को पावर सप्लाई देता है, ये हमारा HDMI केबल, और जो ये कंप्यूटर से लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए कैमरा को ये दिया जाता है। और तो देखिए यहाँ पर हमारा एक रिमोट रहता है जिससे हम कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक हमारा CD रहता है गाइस। इसका वर्किंग हमें भी पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए गाइस ये हमारा मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है गाइस। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइस बहुत ही बढ़िया है, आपको देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये ब्लू कलर में आता है, अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो देखिए हमारा जो तीन वायर होता है गाइस, इस ए वायर होता है गाइस हमारे जो लैपटॉप होता है उसमें कैमरा को कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये वायर काम का है आपके लिए, नहीं तो काम का नहीं है। और देखिए ये है हमारा HDMI केबल, तो अगर आपका जो मॉनिटर है गाइस HDMI सपोर्ट करता है तभी ये जो है केबल आपका काम का है, नहीं तो नहीं है। तो HDMI जो होता है गाइस उसमें एक मॉनिटर में एक पोर्ट दिया जाता है HDMI का, इस तरीके से मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आपका ये पोर्ट है तो ये जो केबल है गाइस आपका काम का है, नहीं तो ये भी आपका काम का नहीं है, आपको इसको रख देना है। और देखिए गाइस ये आता है हमारा एडाप्टर जो 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई देता है हमारे कैमरा को चलने के लिए। तो ये हो गया हमारा एडाप्टर। तो चलिए अब हम इस कैमरे को माइक्रोस्कोप में फिट करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए इसको आपको पहले खोल लेना है गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो CCTV लेंस है उसमें भी एक जो है इसको भी आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको धीरे धीरे फिट करना है गाइस, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। तो देखिए मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आपको भी सेम उस तरीके से फिट कर लेना है कैमरा को। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा कैमरा यहाँ पर फिट हो गया है। तो अब इसको चाहिए हमारा जो है पावर सप्लाई चाहिए, तो देखिए हमारा जो एडेप्टर आता है 12 वोल्ट का, तो उसको हमको कैमरा में यहाँ पर जो है पोर्ट दिया हुआ रहता है गाइस, तो यहाँ पर इसको फिट कर देना है हमें, और जो है हमें इसको पावर दे देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया और इसको हम दे देंगे पावर कैमरा को। तो देखिए हमारा जो कैमरा है, कैमरा में लाइट दिया हुआ है गाइस, इंडिकेशन लाइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है कैमरा है ऑन हो गया। तो हमारा ये है गाइस HDMI कन्वर्टर, तो इसको आपको कैमरे के साथ ये नहीं मिलेगा। तो मेरा असल प्रॉब्लम इसमें ही आया था, क्योंकि हमारा जो PC है गाइस यानी जो हमारा मॉनिटर है इसमें HDMI सपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रहा था कि कैमरा को कैसे कनेक्ट करें। लेकिन मेरे को पता चला बाद में कि हमें एक एडाप्टर लेना पड़ेगा जो HDMI कन्वर्टर होता है, तो इसको आपको मार्केट से एक्स्ट्रा परचेस करना है, जिसका प्राइस है गाइस आपका 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो हमारा VGA केबल होता है उसके साथ आपको इसको फिट करके हमारा कैमरे के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो होगा गाइस आपका जो कैमरा होगा वो आपके मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके आपको इसका व्यू दिखाते हैं कि ये क्वालिटी क्या है, इसका क्वालिटी अच्छा है या बुरा है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको ऑन करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्वालिटी किस तरीके का आ रहा है। तो देखिए हमारा जो कैमरा है गाइस वो कनेक्ट हो चुका है मॉनिटर के साथ। तो देखिए आप मैकेनिक का हमारा लोगो आ गया है, और देखिए हमारा जो देखिए गाइस व्यू यहाँ पर अच्छे आ रहा है। तो आपको मैं देखिए मैं साफ क्लियर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो व्यू है गाइस वो बहुत शानदार व्यू है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो इस चैनल में हर रोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।